इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन दर्ज करने का सिलसिला जारी हुआ है, पर अभी भी पार्टी के निशान पर अर्जियां दाखिल करने वाले उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया हुआ, लिहाजा महज दो अर्जियां दाखिल की गई। हासिल इत्तला के मुताबिक वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4 से आजाद उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन दर्ज किया। एक तरफ चुनाव की सरगर्मियां तो दूसरी तरफ तीसरी लहर की कहानियां, यही हमारे सियासतदानों की खसूसियत है। बेलगाम में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान पहले ही किया गया, लिहाजा आज बेलगाम जिला में पॉजिटिव मरीजों की तादाद 37 रही तो डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 36 रही। दो मरीजों की मौत कोरोना से होने की बात कही जा रही। आम आदमी पार्टी की जानिब से 20 उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान किया गया। दिल्ली बदला है बेलगाम बदलेंगे का नारा देते हुए आज 20 उम्मीदवारों की फहरिस्त को आम आदमी पार्टी ने शाया किया। अब तक अलग अलग ऑफर्स आपने देखे होंगे। एक नई ऑफर हिंडलगा जेल की जानिब से निकाली गई कि महज 500 रुपए में कैदी बनने का मजा उठा सकते हैं। अक्सर लोगों को जेल की जिंदगी पर काफी दिलचस्पी रहती है, लिहाजा बिना किसी जुर्म के आपको 24 घंटे जेल की हवा खाने का सौभाग्य मिल सकता है। हिंडलगा जेल वैसे भी अंग्रेजों के जमाने के जेल के तौर पर देखा जाता है। यहाँ के अफसरान ने कैदी बनने की ऑफर निकाली है जिसके लिए 500 रुपए देने होंगे। आपको कैदी का लिबास भी मिलेगा और खाना भी कैदियों का दिया जाएगा। आपको कतार में खड़े होकर कैदियों की तरह खाना लेना होगा, जैसे उमूमन जेल में कैदी लेते हैं। कैदियों के साथ ही रहना होगा। खैर जो भी हो, दिमाग अच्छा लगा है कि जो लोग जेल जाना चाहते हैं इन्हें जुर्म करने की कोई जरूरत नहीं। जश्न यौम आजादी के मौके पर कैंटोनमेंट बोर्ड CEO वर्चस्वा की जानिब से नुमाया खिदमत अंजाम देने पर कैंटोनमेंट बोर्ड के मेम्बरान को एजाजात से नवाजा गया। खासकर साबिक नायब सदर कैंटोनमेंट बोर्ड जनाब साजिद शेख, किरण निप्पानीकर, डॉक्टर जुबीन, रोहित देशपांडे, रवि बिरजाई, नाग तिलक, इन्हें एजाजात से नवाजा गया। इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड के तमाम मेम्बरान, मुलाजमीन, स्कूल स्टाफ और अस्पताल के मुलाजमीन ने शिरकत फरमाई। अहम खबरों के बाद अहम मौजू पर एक नजर। दरअसल भारत में ही काफ़ी मसाइल हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ अंधवक्त अफगानिस्तान में तालिबान की जीत को लेकर भारत के मुसलमानों पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ चैनलों ने तो भारत में रहने वाले मुसलमानों को और कितने तालिबान के बिरादर रहते हैं कि सुर्खियाँ बनाई। खैर पर सच्चाई भी यही है कि भारत में हिंदुत्ववादी जुल्म करते हैं तो इसे देशभक्ति के पस मंजर में देखा जाता है, और तालिबान के किसी भी कार्रवाई को भारत के मुसलमानों के पस मंजर में देखा जा रहा है। यानी भारत में कोई भी किसी भी तंजीम का शख्स खुलेआम कुछ भी कह दे उसे देश हित में कहा जाता है। बहरहाल अब बात तालिबान की कही जा रही है, जिसमें यकीनन भारत को सोचने की जरूरत है। वैसे भी भारत की विदेश नीति ही बुनियादी तौर पर नाकाम है। महज मोदी सरकार की अंधभक्ति में हर बात को अंधे बनकर तस्लीम कर लेना हिमाकत ही कह सकते, और इसका एहसास जबान से कुछ भक्त न कहे पर दिल में तो जरूर होगा कि गलती हुई है। जब से प्रधानमंत्री के मर्तबे पर मोदी साहब फाइज हुए हैं, देश की कैफियत ही इसकी दिशा दशा तय करना ही मुश्किल हो गया। भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बजाय बेहतर बनाने के हमेशा कशीदगी करे। वैसे तो पाकिस्तान चीन के साथ अरसे दराज से दुश्मनी रही है, पर बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ तक के नेपाल, श्रीलंका से भी हमने दूरियां इख्तियार कर लिया, और यह तमाम महज मोदी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा ही कह सकते हैं। आज अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मोदी सरकार को धमकी देने पर उतारू है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और उस मुल्क का नेता डोनाल्ड ट्रंप से शायद मोदी सरकार ने इसलिए नतीजा कायम कर ली थी ताकि सबसे ताकतवर देश या शख्स के साथ ही हमने दोस्ती कर ली है तो कोई हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन आलमी सतह पर बहुत ही सूझबूझ के साथ ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। भारत में हिंदुत्ववादियों ने ट्रंप की पूजा करना इसलिए भी शुरू किया क्योंकि इनमें मुस्लिम विरोधी नेता दिखाई दे रहा था, और इसी तरह इसराइल के साथ भी नजदीकियां की, और फ्रांस में जब बुरखे पर पाबंदी लगाई तो फ्रांस भी इनको नजदीक लगने लगा। खैर जहां मोदी साहब ने कदम रखा वहां के नेताओं की या तो कुर्सी खाली करनी पड़ी या तो देश छोड़ना पड़ा। बेंजामिन नेतन्याहू से गले मिले तो उन्हें भी हुकूमत से बेदखल होना पड़ा। इसी तरह ट्रंप की हालत तो सारी दुनिया ने देखी, और दंगों का सबसे बड़ा तजुर्बा तो मोदी गैंग को है, तो ट्रंप की हिमायत में जो दंगा हुआ था उसमें भी मोदी भक्त नजर आने की बात कही गई। खैर अफगानिस्तान में $150 लाख का इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ से किया गया था, पर आखिर अशरफ गनी को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। चीन के साथ
गलवान घाटी से लेकर चौकिया पर कब्जा, हिमाचल प्रदेश में तक घुसपैठ करने की हिम्मत इसी मोदी सरकार में ही पड़ोसियों ने की है। खैर, तालिबान को कभी भी भारत सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। अमेरिका के भरोसे उठाए कदम और फैसले अब मोदी को उल्टे पड़ रहे हैं। पर आखिर देश के नागरिकों के टैक्स का पैसा अफगानिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करने का फैसला जो ट्रंप के भरोसे लिया गया था, उसे कौन जिम्मेदार? आज तालिबान हुकूमत में रूस और ईरान के सफारतखाने आज भी है। चीन ने भी तालिबान को मंजूरी दी है। इधर अमेरिका भी तालिबान के हक में फैसला लेने की बात कही जा रही है। तभी तो दोहा में अमेरिकी फौजियों के निकल जाने के मुज़ाकरात पर दस्तखत किए गए थे। मोदी ने तो वहां जाकर बाइडेन के खिलाफ अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था। तो बाइडेन हुकूमत भी भारत को किसी तरह का भरोसा नहीं देना चाहती। कुल मिलाकर अंधभक्त भाजपा, मोदी और संघियों के धार्मिक उन्माद के फैसलों के चलते देश के सामने कई सवाल खड़े हो चुके हैं। आज तालिबान के इख्तदार हासिल करते ही मोदी सरकार को धमकी दी गई। पूरी गोदी मीडिया चीख चीख कर तालिबान पर दुनिया खामोश क्यों है कहकर छाती पीट रही, पर सुनने वाला कोई नहीं है। भारत के कई इल्मी दानिशों ने तालिबान से समझौता कर सफारत खानों को शुरू करने का मशवरा दिया हुआ है। खुद चीन ने भी कहा है कि हम तालिबान से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, और यह कहते हुए दो सुपर पावरों के अंजाम को नजर के सामने रखने से भी वह नहीं भूल रहा। चीन जब के सुपर पावर बनने की फिराक में है, पर अफगानिस्तान से वो उलझना नहीं चाहता, क्योंकि उसने दोनों का भी अंजाम देखा है, अमेरिका और रूस का। यह इसके पैगाम से साफ हो चुका है कि भारत डिप्लोमेटिक पॉलिसी में नाकाम हो चुका है, और इसकी अहम वजह है भारत की धर्म की राजनीति और गलत विदेश नीतियां। दुनिया में किसी भी वजीर आजम ने इतने दौरे नहीं किए होंगे जितने दौरे भारत के वजीर आजम मोदी ने किए, लेकिन रुपये का इन्वेस्टमेंट भारत नहीं लाया। भारत में नए शहर बनाकर रोजगार देने की बजाय पुराने शहरों के ही नाम बदलकर एक तरह का नफरत का खेल खेला गया। मुस्लिम नाम थे, यही इनका विकास, मुस्लिम नाम थे जिन्हें बदलकर दिगर नामों को रखा गया, और यही इनका विकास और डेवलपमेंट मॉडल रहा। अफसोस के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने भी अंधभक्ति में लीन होना ही राष्ट्रवाद समझा, पर दुनिया की बदलती तस्वीर में कुछ फैसले संजीदगी से लेने होंगे। आखिर क्या बात है कि आज तक वजीर आजम ने एक लफ्ज तालिबान के बारे में नहीं कहा, जबकि यूनाइटेड नेशन काउंसिल के सदर के तौर पर पहली मर्तबा मुंतखब किए जाने की बात तो बड़ी जोर शोर से कही जा रही थी। मतलब यह ओहदा कितना मायने रखता है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने तालिबान हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हुए खैर मकदम किया, जिस पर भी हंगामा मचाया जा रहा है। क्या महज हंगामा या हो अल्लाह मचाना ही इस देश में रह गया? लिहाजा तालिबान हुकूमत को अगर दिगर ममालिक भी मंजूरी देते हैं तो भारत का क्या रद्दअमल होगा? तालिबान ने हुकूमत पर आते ही तमाम लोगों को इज्तिमाई माफी दे दी है, और तो बच्चों, मर्दों पर, बुजुर्गों पर किसी तरह हमला ना करने की बात कही। आवाम तालिबान के हिमायत में है, दुनिया का देखने का नजरिया भी बदल रहा है। तालिबान ने भी अपने आप को बदलने की बात करते हुए गुज़िश्ता हुकूमत में कुछ गलतियां होने को कबूल किया है। क्या ऐसे वक्त में भारत तालिबान से दूर रहता है तो इसका फायदा पाकिस्तान को होगा, या फिर महज भारत में रहने वाले हिंदुत्ववादियों को खुश करने के लिए तालिबान से दूर रहना आलमी सतह पर भारत कहाँ खड़ा होगा? खैर, इतना जरूर है कि जिन लड़ाकों ने रूस और अमेरिका को भागने पर मजबूर किया है, चीन भी तालिबान से दोस्ती कर रहा है। रशिया ने पहले से ही अपने एम्बेसी को जारी रखा है। तमाम तस्वीरों को देखने के बाद इतना जरूर महसूस हो रहा है कि भारत को न सिर्फ तालिबान को मंजूरी देनी है, बल्कि भारत के अंदर भी लोकतंत्र विरोधी मजहबी तंजीमों पर नकेल कसना होगा। और यही सच्चाई है, भले ही इसे अंधभक्त कबूल करे या ना करे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।